एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोग सामने एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आई हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको ज़रूर क्लिक करें। और मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही अच्छा वीडियो, बालों के ऊपर ये वीडियो है और ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आज का ये वीडियो। दोस्तों, हर कोई आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट बाल चाहता है, सीधे बाल चाहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीधे बालों का ट्रेंड है और सभी लोगों को सीधा बाल चाहिए चाहिए होता है। अगर आप पार्लर जाके कराते हो तो सीधे बाल तो हो जाएंगे, साथ के साथ ही आपके खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा होंगे और सीधे हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जो उसका साइड इफेक्ट दिखता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं आपके बाल, क्योंकि वो लोग हीट और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके साथ जो घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, इसके वजह से आपके बाल नेचुरल रूप से सीधे होंगे और कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नेचुरल रूप से आपके बाल सीधे हो जाएंगे अगर कर ली है, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छे दिखेंगे, मुलायम दिखेंगे। और ये घरेलू नुस्खा आप आसानी से अपने घर पे लगातार कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसको करने के लिए हमें तीन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी, और ये लगभग 3 से 4 चम्मच ले ले। उसके बाद ले ले कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, ये दो लगभग, मतलब जितने भी आपके लंबे बाल उसी हिसाब से रखिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर चाहिए एलोवेरा जेल। तो जेल एलोवेरा का आप फ्रेश वाला एलोवेरा से भी निकाल सकते हो, या फिर मार्केट में भी मिलता है वो भी ले सकते हो। और इन तीनों को मिक्स कर लिए काफ़ी अच्छे से, और मिक्स करने के बाद ही इसको यूज़ करना है, यानी आपके जितने भी लंबे बाल हैं उसी क्वांटिटी में ले ले, 2-2 चम्मच या फिर 3-3 चम्मच, और फिर ले करके लगभग अच्छे से पूरे बाल के जड़ों में, पूरे बालों पे लगाना है, जड़ से लेकर के सिरे तक लगाना है, जब क्योंकि कर्ल बाल है तो आपको सिरों तक लगाना ही पड़ेगा। और लगा करके काफ़ी अच्छे से इसको लगभग छोड़ दीजिए 1 घंटे तक, 15 से 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटे छोड़ दीजिए। और उसके बाद काफ़ी अच्छे से इसको शैम्पू कर लीजिए, शैम्पू कर करके इसको वॉश आउट कर लीजिए, और सिंपल जैसे मैंने बताया आपको, सिंपल लगाइए और फिर शैम्पू कर लीजिए, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और समटाइम्स अगर आप रख भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे से 2 घंटे आप आराम से रखिए, लेकिन उसके बाद शैम्पू करके हटा दीजिए। बस इतना ही करना है, ये सारे मिक्सचर को बनाइए और फिर बालों पर लगाइए, अप्लाई कीजिए और फिर शैम्पू से धो लीजिए। ये काम आपको लगभग सप्ताह में 2 बार करना है, 2 बार कीजिए, कुछ ही दिन में आपको बालों में फ़र्क दिखेगा। आपके बाल जो है घुंघराले कर्ली से सीधा होना शुरू हो जाएंगे। तो एलोवेरा में बहुत ज़्यादा गुण अच्छे होते हैं, इसके मैंने बहुत सारे पहले भी फायदे बताए हैं मैं बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर, इसके वीडियोस भी आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ज़रूर से ज़रूर ये टिप्स अपने बालों के ऊपर कीजिए, आपके बाल नेचुरल रूप से सीधे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये मेरा टिप्स। तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे आने वाले वीडियो को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलती हूँ एक ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, हेल्पफुल टिप्स के साथ, ब्यूटी टिप्स के साथ, मेकअप के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।